आज हम विद्युत रासायनिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत रासायनिक सेल या इसी को गैल्वेनिक सेल भी कहा जाता है। यह वह सेल होता है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। इसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। यह सेल रेडॉक्स अभिक्रिया पर आधारित होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया वे जिसमें ऑक्सीकरण अभिक्रियाएँ भी होती हैं और अपचयन अभिक्रियाएँ भी होती हैं। तो इस सेल की कार्यविधि के अनुसार इसमें दो अलग अलग विद्युत अपघटनी विलयन दो अलग अलग पात्रों में रखे होते हैं। पहले पात्र में जिंक सल्फेट का विलयन होता है, दूसरे पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन होता है। जिंक सल्फेट वाले विलयन में जिंक की छड़ डूबी रहती है, कॉपर सल्फेट वाले विलयन में कॉपर की छड़ डूबी रहती है। इन दोनों को वोल्ट मीटर के माध्यम से एक वायर या तार के माध्यम से जोड़ दिया जाता है। जिंक सल्फेट वाले विलयन में अभिक्रिया होती है तो इसमें जिंक में से दो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, और जब दो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो यह अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और ये जो दो इलेक्ट्रॉन है इस तार के माध्यम से कॉपर सल्फेट वाले विलयन में पहुँचते हैं, जो कॉपर छड़ के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, तो कॉपर उदासीन हो जाता है और यह अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो इस तरफ ऑक्सीकरण, इस तरफ अपचयन, और ऑक्सीकरण और अपचयन जिस सेल में होती हैं वह सेल विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। इसकी क्रियाविधि के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ जाते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण इसमें वोल्टमीटर में विद्युत धारा का प्रवाह हमें प्रदर्शित होने लगता है। इससे हमें पता चलता है कि इस सेल में विद्युत धारा का प्रवाह होने लगा है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन इस विलयन से इस विलयन की तरफ जाते हैं तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कम होने लगते हैं और यहाँ इलेक्ट्रॉन अधिक होने लगते हैं। तो एक समय ऐसा आता है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल कम हो जाते हैं। तो उसको संतुलित रखने के लिए इन दोनों विलयन को लवण सेतु के माध्यम से जोड़ दिया जाता है। इसके अंदर पोटेशियम क्लोराइड का विलयन भरा होता है जो इनके इलेक्ट्रॉनों को संतुलित रखता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं हो पाती है और इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता नहीं हो पाती है। यह विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। धन्यवाद।